जगह सुंदर है और पहाड़ों का सफ़र भी सुंदर है। काफ़ी समय हो गया था निकले हैं, लेकिन इस बार कुछ काम से निकले हैं, काम का सफ़र है। अच्छा सा रिजॉर्ट है और जब कभी आपकी इच्छा हो तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी जगह पे आना चाहिए, कहीं भी जाइए, पहाड़, नेचर, शांति, यहाँ का कल्चर, हर चीज़ से आप रूबरू हों। जब मौका लगे आप एक विजिट करें। ये रेस्टोरेंट है, कॉटेज भी है, रूम्स भी है, लेकिन हम लोग यहाँ रुके नहीं थे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं। दोपहर का समय है तो हुआ कि थोड़ा लंच हो जाए, और ये इन्होंने काफ़ी अच्छे छत पे बना रखा है, जो पॉइंट है ना देखने लायक है, अच्छा बना रखा है ना, बढ़िया बना रखा है। और ये नीचे साइड में भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या खाएं। खैर इनको भी डिसाइड करने दीजिए, थोड़ी देर में कर ही लेंगे। और ये अच्छा है ना दृश्य यहाँ से, ये जो सामने हाँ काफी सारे, वो घर देखिए ना, वो वाले घर कैसे बने, ये रेस्टोरेंट का भी इसका ना मॉडल अच्छा है, छत के ऊपर इन्होंने अच्छा सा रेस्टोरेंट बना रखा है। हाँ रोटी मंगाइए, और जो बाकी मंगाना है ना, पनीर बटर मसाला या जो भी इच्छा हो खाइए। अरे क्या क्या मौसम आ रहा है, पूरा अच्छा दाल बना दो, कौन सी दाल लेंगे, कोई भी ले लीजिए। अरे कोई गलत में कोई वाला चक्का बड़ा खराब है, कोई उसमें है ही नहीं, कोई वाला ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये दाल फ्राई, दो दाल फ्राई कर दो, और एक तो एक दाल फ्राई ले लीजिए, एक कोई और ले, अच्छा चलिए एक दाल फ्राई कर लीजिएगा और एक मखनी दाल। अब बोलिए, हाँ जी हाँ, कौन सा लेना, कोई दाल मखनी, हाँ एक दाल मखनी कर दो जी, आई एक दाल और दोनों हो गया, और बट और पनीर सब्जी में एक पनीर बटर मसाला और एक, और एक नहीं बताया गया था, ये मिक्स मिक्स वेज, मिक्स वेज में क्या मिक्स करोगे, दोनों तरी ले लो, तरी ले लो दोनों, अलग अलग मटर पनीर नहीं नहीं ग्रेवी वाला, ग्रेवी वाले ले लो, मतलब दोनों है तरी ले लो, देखिए एक दो पनीर बटर मसाला, एक और ले लीजिए, यहाँ पे ये एरिया बहुत है, वो जो सामने दिख रहा है ना, वो जो सामने वो कोई होटल होटल है, काफी बड़ा, एक ही कलर में नहीं दिख रहा आपको, रेड कलर का है, हाँ सब एक ही जैसे रंग, एक ही जैसे, कोई ना कोई ये होटल है बड़ा सा, और बाकी तो यहाँ पे जबरदस्त सीनरी है। वो सामने पहाड़ पे बादल आ गए, यहाँ बारिश हो जाए ना थोड़ा, देवदार का पेड़ है ना ये, देखिए ये भी कोई वो लग रहा है, नहीं नहीं देवदार नहीं है वो, क्या ये कुछ है, हाँ ये सारे सारे ये तो कुछ गवर्नमेंट का लग रहा है, एरा, अरे ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है भीमताल वाला, अच्छा माया का इसी में एडमिशन करा रहे थे हम, अच्छा ये ग्राफिक एरा, एरा लिखा है ना, हाँ एरा लिखा हुआ, हाँ हाँ माही का तो सही जगह था। कितना मांग रहे थे उस समय सभी, नहीं नहीं दाम कुछ ज्यादा नहीं था, नॉर्मली था, माही का यूनिवर्सिटी ग्राफिक एरा, और यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता और यहाँ बैठ के खाना खा लेता, माया का तो अच्छा हुआ मना कर दिया, आया ही नहीं, बोला नहीं, तो ये जगह अच्छा था। माही का एडमिशन उसमें हम करवा रहे थे, ये जगह अच्छा है,
ये भीमताल कैंपस, इनका दो कैंपस है, एक देहरादून कैंपस है और एक भीमताल कैंपस अच्छा। है ग्राफिक तो एरा का बढ़िया रहता, आप करा देते ना। हाँ तो वो मना कर दिया, सोलन वाला तो इससे भी सॉलिड था, तो बढ़िया रहता, हम लोगों को आना जाना बना रहता। और यही और यही बैठे रहते हर 15 दिन का आते मिलने का मतलब है, जब आप हर 15 दिन पे मंदिर ओली जा सकते हैं। पहले देख रहे हैं यहाँ नीचे लिखा ना ग्राफिक एरा 400 मीटर 400 मीटर अहेड, आधा किलोमीटर दूरी पे है। मुझे लगता वो है क्या, वो रेड नीचे बर्फ है ही नहीं। भीमताल यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है और पीछे ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है और ये जगह ये एक रेस्टोरेंट है। खाना तो आ जाए जल्दी, भूख लग रहा है और अभी खाने का इंतजार ही कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। सब लोग साथ में हैं, इन लोग को इस बार हम पकड़ के लाए कि चलिए घुमा के लाता हूँ। सब लोग कहता था कि अकेले अकेले चले जाते हैं, अभी और भी बहुत लोग हैं हमारे परिवार में, तो 500 लोग हैं, कंप्लेन सबका रहेगा अभी, लेकिन फिर भी आ गए हैं, जगह अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और आपको दृश्य, पहाड़ों के घर, ऐसे ही घर होते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर। और यहां से एक बार और देखा जाए ये घर कितना सुंदर है, वाओ। हाँ आप वहीं पढ़ाना स्टार्ट करिए। काफी इंतजार के बाद हमारा खाना आ गया है और ये खाना पीना अपना सब लोग खा रहे हैं, भूख लगा था सुबह से, आज देर से सोकर उठे। हाँ देर से सो के उठे, देर से खाना भी है लेकिन अच्छा, खाना ठीक है। भूख तेज लगी थी ना तो जल्दी जल्दी सब लोग खा रहे हैं, रोटी ही खत्म हो जा रहा है, रोटी लाने में वो देरी कर रहा है और हम लोग को भूख लगा तो हम लोग जल्दी जल्दी एकदम दबाए जा रहे हैं एकदम। अभी हम भी थोड़ा खाए हैं, अभी लगातार चल रहा है। हाँ पानी उन्हें दीजिए, चलने दीजिए सब। खाना पीना हो गया, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, जाएंगे कैचीधाम की तरफ भवाली होते हुए। खाना खाने के बाद अब फिर से चलिए 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 चला जाए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, क्या प्राइवेट एंट्री बोल रहे हैं? इधर जो है पंजाब नेशनल बैंक का गेस्ट हाउस भी है, उसे पीएनबी का हाँ गेस्ट हाउस भी है। चलिए बैठिए, आओ जी चलो। ये वो उसके लिए है ना, उधर से कोई गाड़ी आ रही है ना, ये नजर आ जाएगा ना। चलिए अब चला जाए, चलिए आइए। एक सेकंड, चलिए खुल गया सारा गेट। चलिए जब से गाड़ी को खरीदे हैं तब से इधर आगे बस स्टैंड है भोवाली का, वहाँ रुकते हैं, ये यही बस है।